राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के सांस्कृतिक विकास एवं उत्थान के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव तथा अन्य संस्कृतियों की सराहना करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये बात शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा विभाग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कला उत्सव एक विरासत कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्र छात्राओं के बीच विकसित होने वाली आगामी सांस्कृतिक अवधारणा को एक प्रमुख योग्यता एवं गुण के रूप में पहचानती है तथा कला को इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए मुख्य माध्यम के रूप में प्रस्तावित करती है। मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कला उत्सव स्कूल शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वर्ष 2015 से एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, प्रस्तुत करना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध और कलात्मक अनुभवों की आवश्यकता और इसके द्वारा विद्यार्थियों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान प्रदान करने की मान्यता देता रहा है। उन्होंने कहा कि कला उत्सव भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में आरंभ किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ये उत्सव विद्यार्थियों में भारत की जिला, राज्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और उसकी जीवंत विविधता के प्रति जागरूकता लाने एवं उत्सव मनाने का मंच प्रदान करता है। ये उत्सव न केवल विद्यार्थियों में बल्कि उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों में भी संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। भविष्य में ये उत्सव शिल्पकारों, कलाकारों और संस्थाओं को विद्यालयों के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करेगा। ये उनकी प्रतिभा को पोषित करने एवं दिखाने हेतु उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा और सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक मूर्त, रचनात्मक एवं आनंददायी बनाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ही और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम 2015 में प्रारंभ किया गया है, जिसका शीर्षक आपने दिया है कला उत्सव एक विरासत, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सभी जहां इस कार्यक्रम को एक्चुअल में आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को सुनते, एक दूसरे को देखते, एक दूसरे से बातचीत करते, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि चाहकर भी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, क्योंकि हम सभी भली प्रकार से परिचित हैं कि आज सारा विश्व COVID-19 के कारण से संकट में है और इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं और इसका एक लाभ तो यह है कि हम लाहौल स्पीति, किन्नौर से लेकर के चंबा, पांगी, भरमौर तक दूर दराज के क्षेत्रों तक आप सभी के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, कला के कारण से हम सारी दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं और हम सब ये भली प्रकार जानते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत को समेट करके अब तक भी रखा है और आगामी आने वाले बच्चों के माध्यम से भी उसको संजो करके रखना है। और जिसमें यहाँ पर हमको सूचना दी गई है कि आपके अनेक प्रकार के कार्यक्रम और जिसमें कहा है कि ये जितनी आपकी प्रतियोगिताएं हैं अब इस साल सबकी सब वर्चुअल माध्यम से हुई हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है और अब स्टेट लेवल पर आपका प्रोग्राम ये जनवरी के महीने में प्रारंभ होने वाला है। और जिसमें कहा कि आप लगभग पारंपरिक लोक कलाएं और शास्त्रीय कलाओं की 9 विधाओं में इस सबको सिखाया जा रहा है और सभी के सभी अपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जिन बच्चों ने अभी जो प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में भाग लेना है उन सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात ये निश्चित रूप से है कि अपने आप को अपनी जमीन से जोड़ करके रखना, अपना गौरव और आत्मसम्मान हमारा सदा बहाल रहे। और आज भी हम ये जानते हैं कि अनेक प्रकार की लिपियां, अनेक प्रकार की भाषाएं ऐसी हैं
जो लुप्त तो होती जा रही हैं। आज भी हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर अनेकों इस प्रकार की भारतीय भाषाएं जिनके बारे में यूनेस्को ने कहा है कि 220 से अधिक जो लुप्त प्राय होती जा रही है, उन सबको कैसे जीवित किया जा सकता है। अभी दो दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश की जो लिपि चलती थी, जो शारदा लिपि का हिस्सा कहा जाता है कि टांकरी लिपि, और 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर के हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि के माध्यम से सारी कलाओं का प्रदर्शन होता था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जो जानने वाले थे वो चले गए, आगे वाले विरासत को संभाल नहीं पाए, और 20वीं शताब्दी तक बहुत कम लोग रहे। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक ऐसे साहित्यकार आए, कुल्लू के संबंध रखने वाले थे, श्री खूब राम जी खुशदिल पठानिया, और जो 1927 में पैदा हुए थे, उन्होंने टांकरी लिपि पर रिसर्च प्रारंभ की और फिर भाषा एवं संस्कृति विभाग को भी उसके माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ किया। और अभी एक उनके नए स्टूडेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि यतिन शर्मा, जिन्होंने अभी ऑनलाइन टांकरी लिपि पर अनेकों लोगों को इसमें पढ़ाई करवाई, और अभी एक सप्ताह का उनका प्रोग्राम हुआ जिसमें 80 यानी शोधार्थी और ऐसे अनेक स्टूडेंट्स ने टांकरी लिपि को सीखा और उसको पढ़ना लिखना समझना और उसमें अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, और इसलिए ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जहां तक अभी ये सेकेंडरी लेवल तक जो कला उत्सव एक विरासत ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई इनोवेशन करते हुए कहा है कि अभी तो सेकेंडरी लेवल पर ये सब हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है, लेकिन आने वाली जो हमारी जो शिक्षा नीति 2020 है उसके मुताबिक तो हम बच्चों को बाल्यावस्था से ही अपनी सांस्कृतिक विरासत से अपनी कला से जोड़ने के लिए हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम और अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और विशेष तौर पर जब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से मुलाकात होती है तो इनको देख करके इनकी खुशहाली इनकी मुस्कुराहट वो हम सब तक भी आती है। आप सभी इसी प्रकार से प्रसन्न रहें। लेकिन जीवन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में मुझे चाहे कला के माध्यम से चाहे शिक्षा के माध्यम से एक बड़ा आदमी बनना तो आसान है, लेकिन जीवन में सारी उपलब्धियों को प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बन पाना वो कठिन है। लेकिन हम सब के सब उनमें से हैं जो अच्छा इंसान बन करके दिखाएंगे। और सुंदरता केवल मात्र मेरे शरीर की नहीं, मेरे मन की सुंदरता भी चाहिए। देखने में कभी कभी लगता है कि कोई शरीर से तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मन यदि सुंदर नहीं तो वो शरीर किसी काम करे। इसलिए मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, हर प्रकार से सौंदर्य से भरपूर रहे, आप सबके जीवन में खुशहाली आए। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत शीघ्र कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने के लिए जो वैक्सीन आने वाली है जल्द आए, और ताकि हम सभी उस टीके के आने तक का इंतजार करेंगे। लेकिन जब तक टीका आए तब तक इस दुनिया में टीके रहना, और उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी लगातार एक संदेश देते हैं।